बड़ी जानकारी। मैनपुरी में उपचुनाव के बीच सपा ने एक और बड़ा आरोप लगाया। मैनपुरी सदर विधानसभा के बूथ संख्या 274 शाह आलमपुर पर लाठीचार्ज हुआ है। बिछुआ थाना के प्रभारी द्वारा मतदाताओं पर लाठीचार्ज किया गया। समाजवादी पार्टी का यह आरोप है, वीवीपैट मशीन से पर्ची ना निकलने की शिकायत करने पर सपा एजेंट को धमकाया गया। भोगांव के मानिकपुर में बूथ संख्या 173 पर सपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। क्यों लग रहा है कि इस तरीके से जो वोटर्स हैं उनको आने से रोका जा रहा है? समाजवादी पार्टी को हराने के लिए, सीट छीन कर बीजेपी को देने के लिए, इसके अलावा क्या? कल भी आपने प्रदर्शन किया था, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, क्या कुछ आपकी बातचीत हुई थी जिला निर्वाचन अधिकारी से या प्रशासन से? हमने ये डिमांड की थी कि मतदान निष्पक्ष हो। लग रहा है कि मतदान निष्पक्ष हो रहा है आपको? जिस तरीके से आप वोट डालने कब दे रहे हैं, वोट नहीं डालने दे रहे हैं। इस परिस्थिति में आपको लग रहा है कि आप चुनाव जीत पाएंगे? चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। मतदान कम हो रहा है, चुनाव जीतेंगे इंशाल्लाह। और रामपुर के लोग वोट डालेंगे, डाल रहे हैं, अब लाठियाँ खाएंगे और डालेंगे। और हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो लाठियाँ खाएं और वोट डालने के लिए आए। आप कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं उनके ऊपर पुलिस की निगरानी है, जबकि बीजेपी के समर्थकों के ऊपर नहीं? दुश्मनी है, उनके वोट नहीं डालने देंगे। आप घूम रहे हैं शहर के अंदर, तो लोग आपसे क्या कह रहे हैं, जो वोटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं? मैं दिखाऊं आपको, रिकॉर्डिंग सुनवाऊं, वोटर क्या कह रहे हैं? पिट पिट के आ रहे हैं। देखिए मैं आपको दो एक रिकॉर्डिंग सुनाऊं, इन्हीं की देखो, ये फोन आ रहा है किसका? हेलो जी, हाँ, कहते आ रही लगातार आपके पास। ठीक है, वो तो मैं कहाँ से भिजवा दूँ, ऑफिस से मंगवा लो अगर कोई हो तो। अरे नहीं, मैं फील्ड में निकला। ठीक है अविनाश, बात कर रहे हैं आसिम राजा बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं रिकॉर्डिंग सुनवा सकता हूं। सुन रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वोट कास्ट नहीं करने दिया जा रहा है, लाठी डंडे मारे जा रहे हैं और जनता से अपील ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप बेशक डंडे खाइए लेकिन वोट करने आइए। एक तरफ तो कह रहे हैं कि वोट डालने नहीं दिया जा रहा, दूसरी तरफ जीत को लेकर भी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।